हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचेस क्लासेस। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 क्या है? 27A + 31B इज इक्वल टू 85 एंड 31A + 27B इज इक्वल टू 89। ठीक है, अब प्लस करो, 9 + 5 = 14, 16 = 17, 174 हो गया। दिस इज 58B एंड दिस विल बी 58A। तो डिवाइड बाई 58 ऑन बोथ साइड, सो इट विल बिकम A + B इज इक्वल टू 58 × 3 = 144। इस इक्वेशन को 5 दे दें। अब सेम इक्वेशन को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, सो 31A + 27B इज इक्वल टू 89 एंड 27A + 31B इज इक्वल टू 85। सब पॉजिटिव है तो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो 31 - 27 इज 4, तो 4A - 4B इज इक्वल टू 4। सो अब हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड करेंगे, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। सो यू विल गेट A - B इज इक्वल टू 1। दिस विल बी योर इक्वेशन 6। अब क्या करना है? ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। सो A + B इज इक्वल टू 3 एंड A - B इक्वल टू 1। ऐड करना, इट विल बिकम 2A = 4। देयरफॉर A = 4/2, 2 2 ज़ा 4, देयरफॉर A = 2। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस। सब्स्टिट्यूट A = 2 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या है? A + B = 3, देयरफॉर 2 + B = 3, देयरफॉर B = 3 - 2, देयरफॉर B = 1। सो हमें B क्या मिल गया? 1। A क्या मिल गया? 2। अब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट TUTE द वैल्यूज ऑफ A एंड B। सो A इज इक्वल टू 1/(x - 2) इक्वल टू 2। ठीक है, तो एंड B क्या है? B इक्वल टू 1/(y + 3) इक्वल टू 1। सो इट विल बिकम 2 × x - 2 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा y + 3 इक्वल टू 1। फाइन, सो 2x - 2 इक्वल टू 1, देयरफॉर 2x = 1+2, देयरफॉर 2x = ओके वेट, ये 4 है ना, 1 + 4 = 5, देयरफॉर x = 5/2। x क्या मिल गया? 5/2। देयरफॉर y = 1 - 3, देयरफॉर y = -2। सो हमें x एंड y क्या मिल गया है? 5/2 एंड -2 इज अ सॉल्यूशन। गॉट इट? सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.4। सो लेट प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? 1/3x + y + 1/3x - y is equal to 3/4 and 1/2 × 3x + y minus 1/2 × 3x - y is equal to -1/8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सो नाउ 1/3x + y + 1/3x - y is equal to 3/4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? 1/2 × 3x + y + 1/-, −2 × 3x - y is equal to −1/8। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट A फॉर 1/3x + y एंड B फॉर 1/3x - y। सो ये हो जाएगा A + B इक्वल टू 3/4। This will be a third equation and it will become A/2 - B/2 equal to −1/8. This will be a fourth equation. So what you are going to do? You are going to multiply equation 3 by 2, क्योंकि 4 निकालना है हमें। 3 को 4 से करेंगे और इक्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3
बाय 4। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, ये आपका फिफ्थ इक्वेशन हो गया। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 8, तो ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 4 जा 8, 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, ये आपका सिक्स इक्वेशन है। अब क्या करना है, ऐड करना है, ऐड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ देखो 4b और 4b है, प्लस और माइनस है, हम इक्वेशन 5 एंड 6 ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, आपको मिलता है 4a प्लस 4b इक्वल 3 एंड 4a माइनस 4b इक्वल माइनस 1, इट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 मिलेगा, इट विल बिकम 8a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 अपॉन 8, ओके, 2 वन्स आर 2, 2 फोर्स आर 8, सो यू आर गेटिंग a इक्वल टू 1 अपॉन 4, इतना पार्ट क्लियर। अब इसी को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट a इक्वल 1 अपॉन 4 इन इक्वेशन 5, ठीक है, व्हाट इज योर इक्वेशन 5, 4a प्लस 4b इक्वल 3, तो 4 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 4 इंटू b इक्वल टू 3, 4 4 कट, आपको मिलता है 1 प्लस 4b इक्वल 3, देयरफॉर 4b इक्वल 3 माइनस 1, देयरफॉर 4b इक्वल 2, देयरफॉर b इक्वल 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b मिल जाता है आपको 1 अपॉन 2, दिस मच इज क्लियर। सो नाउ वी हैव टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, सो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x प्लस y इक्वल टू 1 अपॉन 4 एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x माइनस y इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर 3x प्लस y इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये दिस विल बी योर सेवेंथ इक्वेशन एंड 3x माइनस y इक्वल टू 2, दिस विल बी योर एट इक्वेशन। अगेन आपको इसको ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, 3x प्लस y इक्वल 4 एंड 3x माइनस y इक्वल टू, ये हो गया 6, 6x इक्वल 6, देयरफॉर x इक्वल 6 अपॉन 6, 6 वन ज़ा 6, आपको x क्या मिल गया 6। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे x इक्वल 1 इन इक्वेशन 7, तो इक्वेशन 7 क्या है, 3x प्लस y इक्वल 4, देयरफॉर 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल 4, देयरफॉर 3 वन ज़ा 3 प्लस y इक्वल 4, देयरफॉर y इक्वल 4 माइनस 3, देयरफॉर y इक्वल 1, सो आपको x एंड y दोनों ही क्या मिल गए, 1, x एंड y इक्वल 1 एंड 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, प्रैक्टिस सेट 1.4 का, ठीक है। सो ये हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 का कंप्लीट कर लिया, अब आगे चलते हैं। सो वर्ड प्रॉब्लम सम है, इसमें से आज हम इंपॉर्टेंस मार्क कर लेंगे, कल हम इसको सॉल्व करेंगे। सो मार्क इंपॉर्टेंस में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एग्जांपल 1, ये जो क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 20 में, इसको मार्क करिए। एग्जांपल 2, ओके, एग्जांपल 3, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मार्क एग्जांपल 5, ठीक है, 3-डिजिट नंबर का, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट में भी सम है। सो इतने एग्जाम्पल्स हम कल कंटिन्यू करेंगे, टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।